सच्चाई आप दिखा नहीं सकते हैं। नहीं, दिखाएंगे दिखाएंगे। कई संतों का मेरे पास लिस्ट है, प्रेस वांस कराइए। संतों का आदर नहीं है योगी जी के यहाँ, संतों का आदर होगा ऐसा नहीं है। सबसे बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, चैलेंज देता हूँ योगी और मोदी जी को, ये मेरा चैलेंज है। बेचारे बाबा अपनी पीड़ा रख रहे थे, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहे, इनकी शब्द आपने सुना है, कहे बुद्धि करा, मतलब इन लोगों की भाषा शैली इतनी है। और मोदी जी अहंकार में चूर हो गए हैं। आज एक हनुमान की आवश्यकता। बीजेपी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक अंधभक्त एक मंदभक्त। वर्तमान में जो दिखेंगे ना वो बात नहीं करेंगे। मैं चैलेंज देता हूँ पृथ्वी भास्कर। भैया उधर जो बैठे हैं बस में ड्राइवर भैया, वो भी हंस रहे हैं, कह रहे हैं भैया बस छूटी जा रही है, लेकिन इनके अंदर गुस्सा इतना है। बात योगी तक पहुँचनी चाहिए, मोदी तक पहुँचनी चाहिए। बस गई भैया, बस गई भैया, आप सच्चाई दिखाइए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। शाम का वक्त है और राजनीति में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है। गर्मी इसलिए क्योंकि इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और कल गोरखपुर में चुनाव भी है, छठे चरण का चुनाव, यानी कि आखिरी से एक पहले चुनाव में क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। तो ये कचहरी बस स्टैंड है गोरखपुर का, जहाँ पे तमाम जगहों के लिए बस जाती है। देखिए प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, गोला, तमाम जगहों के लगी हुई यहाँ बस, और तमाम आते जाते लोग हैं उनको भी रोकेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, और कुछ लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। तो सभी लोगों से जानेंगे कि भैया कल बटन दबाने से पहले, छठे चरण के जो वोटर हैं वो बटन दबाने से पहले क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, और किस मुद्दे पे जो है इस बार ठप्पा लगने वाला है। भैया तो बताइए, क्या नाम है? सुधीर कुमार झा। अच्छा, झा साहब है। तो ये सबसे पहले तो यही हुआ, ब्राह्मण वोटर बहुत महत्वपूर्ण रख रहे हैं भूमिका है। जी 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 जी। तो कल किस मुद्दे को सोच, गोरखपुर के ही हैं? जी 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 जी। तो कल किस मुद्दे को सोच कर बटन दबेगा? पहले तो ये जान लीजिए, मैं सुधीर कुमार झा नाम है मेरा, मैं पटरी व्यवसाय संघ का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। जो सड़क के किनारे जितनी दुकानें लगती हैं, एक समय हुआ करता था जब यह योगी आदित्यनाथ जी सांसद होते थे, तो आप कभी भी अगर 7-8 साल पहले आए होंगे तो गोरखपुर में देखेंगे चारों तरफ हर ठेले पे केसरिया झंडा लगा रहता था। और यह पटरी वाले जब योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे तो उनके हाथ हर धरने हर आंदोलन में लाठी खाए डंडा खाए, यहाँ तक कि कुछ पटरी वालों पे रासुका भी लगे हैं। अच्छा, मतलब जो सपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तमाम सरकारों में यह माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो वर्तमान में उस समय सांसद हुआ करते थे। तो उनके साथ ये रहा पहले इन लोगों का। आज के डेट में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, तब से सारे पटरी वाले उनको जो है अतिक्रमणकारी, आतंकवादी, अपराधी, जो भी आप कह सकते हैं, वो सब लगने लगे। आज पचा ये कहते हैं कि बुलडोजर, आप देखे होंगे एकदम दिखा रहे हैं बुलडोजर। तो आप बुलडोजर किस पे चलाएंगे? कह रहे ना बदमाशों के लिए है। आप हमको बताइए, मीडिया कर्मी हैं, आज तक इन्होंने अतीक और मुख्तार, जाति समीकरण के सिवा कभी धनंजय के बारे में सोचा गया? और नाम मैं गिनाऊं क्या? इस मीडिया के माध्यम से गिनाना नहीं चाहता हूं, आप सभी लोग जानते हैं। और दीजिए, दिक्कत क्या? और किसी के बारे में सोचा क्या? लेकिन ये सिर्फ अगर बुलडोजर चले हैं गोरखपुर में, मैं गोरखपुर की बात आपको बता रहा हूं, गोरखपुर में एसीवी लाइन में अगर बुलडोजर चला तो 100 झोंकी झोपड़ी वाले थे जिनको उजाड़ दिया गया, अगर बुलडोजर चला तो हजारों ठेला वाले उजाड़ दिए। और योगी जी आपके साइड में आके खड़े हो गए हैं, हैं? योगी मत बोलिए भैया। अच्छा, हाँ, योगी मत बोलिए। क्यों नहीं बोले भैया? हाँ, क्यों नहीं बोले? हम गोरखपुर के ही हैं। अच्छा। कालेसर के निवासी हैं। ठीक है, सच्चाई आप दिखा नहीं सकते हैं। नहीं, दिखाएंगे दिखाएंगे। तो मेरा योगी जा रहे हैं, पहले ही बताइए। मैं जा रहा हूँ, वोट का बहिष्कार करता हूँ मैं। अच्छा। मैं जा रहा हूँ प्रयागराज। क्यों? मैं देखिए योगी मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ। चलाएंगे चैनल पे? बिल्कुल चलाएंगे। माननीय योगी जी और मोदी जी, हाँ। आप अगर प्रतिभा नारी नारायणी के गर्भ से जन्म लिए हैं, हाँ। तो पृथ्वी भास्कर आपको चैलेंज देता है, लाइव टीवी पे हमसे डिबेट करिए। अच्छा। क्योंकि आप लोगों पे अंधभक्ति का जो चश्मा उतार चढ़ाए हैं, हाँ। उसको उतारने की जरूरत है। हमारे गांव में, हाँ। हमारे गांव के किसानों की जो पीड़ा है, हाँ। हमारा FIR नहीं लिखा गया है? जिस आदमी ने हमको मारने के धमकी दी, भ्रष्ट आदमी था। सब कि सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है? थाने में सुनवाई नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही है, हाँ। नहीं हो रही है, हाँ। इनका नहीं हो रहा होगा ऐसा नहीं, नहीं है। सब बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, चैलेंज देता हूँ योगी और मोदी जी को, ये मेरा चैलेंज है। अगर पतिव्रता नारी नारायणी से गर्भ से जन्म लिए हैं, मैं चैलेंज देता हूँ पृथ्वी भास्कर, आ करके मेरे से लाइव टीवी पे साफ साफ करें। ये बताइए कि आपको सिर्फ यही समस्या है या 5 साल में कोई 5 साल के कामकाज आपने देखे वो कैसा देखा, ये बताइए। नहीं, एक बात कहें, पूर्ण रूप से तो अच्छे नहीं है, काम अच्छे किए हैं, हाँ। मैंने ये भी कहा, देखिए जो सच्चा हितैषी होता है ना, हाँ। वो किसी का बुरा नहीं चाहता है, हाँ।
योगी जी और मोदी जी अहंकार में चूर हो गए हैं। अच्छा। आज एक हनुमान की आवश्यकता है कि उनका अहंकार तोड़ा जाए, फिर सही रास्ते पे आए। अगर विदुर जी वो तो कह रहे हैं कि भैया पूरा प्रदेश मेरा परिवार है, तो क्यों आपको लगता है कि अहंकार भाव कर रहे हैं संतों का? मैं कितना बार मंदिर में गया हूँ, आप संतों से, कई संतों का मेरे पास लिस्ट है, प्रेस कराइए। संतों का आदर नहीं है, योगी जी के यहाँ संतों का आदर नहीं है। अश्विनी उपाध्याय जी मेरे को बुलाए थे टीवी डिबेट में, वो अब हमारे थोड़ा मित्र हैं, मैं उस दिन खुल के बोला नहीं। क्यों? कि उनकी छवि अब वो डिबेट रखने डिबेट में ना, सुनिए। लेकिन आज मैं चैलेंज देता हूँ, आप समझिए, आप समझिए। अगर आप सुनिए, अब मीडिया को भी वही जो चैलेंज होगी देखिए, दिखाएंगे। हाँ, पक्का कर रहा हूँ, जो पतिव्रता नारी नारायणी के गर्भ से जन्म लिया होगा वही सच्चाई का ये सामना कर सकता है पृथ्वी भास्कर का। इनकी बस है, ये को भी चैलेंज देता हूँ। प्रयागराज के लिए बस जा रही है, इसी में जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। मैं तो जनता से अपील करूंगा, आप वोट का बहिष्कार करिए, अपना हक मांगिए। हम अगर जनता आपको वोट दे करके सत्ता में बिठाते हैं तो हमको उतारने का भी अधिकार चाहिए। अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमको उतारने का अधिकार चाहिए। आप एक बात बताइए, सुनिए, हर कोई फ्री फ्री दे रहा है, योगी मोदी जी बंगाल। देखिए भैया, बस के कंडक्टर हैं आप, मतलब बस के हैं ये कंडक्टर साहब, गाड़ी हमारी ऑनलाइन है, उसका 7 बजे समय है। देखिए सच्चाई, देखिए मीडिया को भी है, मेरा चैलेंज है। मैं कितने चैनल पे, सुदर्शन न्यूज चैनल पे बार बार बात किया हूँ। आज योगी मोदी जी सुनिए, बंगाल में आग लगा के आई थी, हिंदुओं का मेरे पास फोन आता है, अगर एक बार प्रार्थना कर लेते ना ममता बनर्जी से, क्या छोटे हो जाते? एक बात बताइए, राम की पत्नी रावण को, राम की पत्नी सीता को, और नहीं, राम की पत्नी सीता को रावण उठा ले गया था, रावण कहीं बुरा, राम ने रावण का बुराई किया? अगर ये सच्चे राम भक्त हैं, ये बताइए, मैं सभी पार्टियों का कर रहा हूँ। देखिए भैया, उधर जो बैठे हैं बस में ड्राइवर भैया, वो भी हंस रहे हैं, कह रहे हैं भैया बस छूटी जा रही है, लेकिन इनके अंदर गुस्सा इतना है कि भाई लगा। सुनिए, मैं अपने सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तरह, ये बुद्धि खराब है सब, अपने बात रख रहे हैं ना, बात बात। देखिए चाटुकार जो होगा विरोध करेगा, भाजपा वालों की यही भाषा है, कोई विरोध, अगर युवा रोजगार मांगेगा। सुनिए, आपको कह दिया ना, देखिए आप हमारे सुनिए, एक अब कुछ नहीं, गलत नहीं बोलूंगा, बात छूट जाएगी, दो शब्द और कहूंगा। भैया कंडक्टर भैया भी बुलाने आ गए हैं इनको, दो शब्द कहूंगा, एक सच्चाई। मेरी माता ने अंत समय में अपने दुनिया छोड़ते समय बोला था, बेटा जिस दिन तुम गलत करोगे, गलत का साथ दोगे ना, गलत का समर्थन करोगे, मेरे चरित्र को कलंकित करोगे, इसलिए चैलेंज है। जो पतिव्रता नारी नारायणी के गर्भ से जन्म लिया हो, चाहे नेता हो, चाहे धार्मिक संगठन वाला हो, आपकी पूरी बात दिखाई जाएगी। फिलहाल आपके 7 बजे का आपका बस था, ये बता रहे हैं 7:05 का बहिष्कार कर रहा हूँ। ये बात योगी तक पहुँचनी चाहिए, मोदी तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल भाई, यही लोग ना आएंगे, चैलेंज है, पहुँचाएंगे एकदम। आप समझिए, ये एक महंत का पीड़ा है गोरखपुर में। अभी आप मीडिया कर्मी आप देखे होंगे, गोरखपुर में यह मुख्यमंत्री का ये भैया बैठ गए, और ये इनकी बस जो है वो जा रहे हैं, और ये ड्राइवर भैया से पूछ लेते हैं, भैया क्या लग रहा कल का माहौल? बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया माहौल है, इनको छोड़ दीजिएगा प्रयागराज तक, ये तो बहिष्कार कर रहे हैं, वोट का करेंगे। चलिए चलिए, हाँ, अरे उतर के गए भैया, भैया आपकी बस चली गई। मेरे संपर्क करिए, दम होगा जिसके ले लीजिए सारा कार्ड, शिवसेना आपके बस गई भैया, बस गई दीजिए भैया, आप सच्चाई दिखाइए। देखिए भैया, ये इतना दो चार हाथ में कार्ड भी दे गए हैं, कह रहे संपर्क करिए। ये गोरखपुर का पीड़ा है, ये बीजेपी की जो व्यवस्था है वर्तमान में। आप अगर हक मांग लेंगे, किसानों ने हक मांगा तो आतंकवादी हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए, और फिर वही प्रधानमंत्री जो है साल भर, जब कम से कम हजारों किसानों का लाशें नहीं पता चला, फिर उसके बाद जा करके रो के माफी मांगते, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। अभी एक हमारे भाई साहब हैं, एक हमारे भाई साहब हैं, भाई साहब हैं, ये देखिए बीजेपी में दो तरीके के लोग होते हैं, सुने, मेरी पूरी बात खत्म होने दी, आप सुनिए, बीजेपी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक अंधभक्त एक मंदभक्त। वर्तमान में जो दिखेंगे ना वो बात नहीं करेंगे, बेचारे बाबा अपनी पीड़ा रख रहे थे, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहे, इनकी शब्द आपने सुना है, कहे बुद्धि खराब, मतलब इन लोगों की भाषा शैली इतनी है कि लोकतंत्र में कोई बोलेगा तो बुद्धि खराब है। ये देश के सबसे बड़े विद्वान है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ,
उत्तर प्रदेश की जो आबादी है ना 25 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, सारे लोगों को खुश नहीं किया जा सकता है। नहीं, सवाल ये है, सारे लोगों से वोट क्यों मांगते हैं? मैं क्या, सारे लोगों से वोट क्यों मांगते हैं? वोट मत मांगिए, वोट मत मांगिए, तब खुश नहीं, आप बोल रहे सुनिए पहले, सारे लोगों से वोट, इनको 25 करोड़ लोग वोट ना दे, इनको 25 करोड़ लोग वोट ना दे, नहीं कह रहा, 25 करोड़ लोग बोल दीजिए, ये बताइए कि उनकी ये पीड़ा है और वो बस को छोड़ छोड़ के बार बार आ रहे हैं। मैं इनकी पीड़ा को कहीं से भी गलत नहीं कह रहा हूँ, इनका जो पीड़ा है वो अपने हिसाब से उन्होंने बता दिया, इनका नहीं उनका, वो चले, किसी का भी पीड़ा रहा हो, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, 25 करोड़ लोगों को एक आदमी हमेशा खुश नहीं कर सकता है। ये सवाल वो गृह जनपद का है और दूसरा वो संत है। देखिए गृह जनपद के हिसाब से बता रहे हैं, जैसे भैया ने पहले बताया है कि झुग्गी झोपड़ी वालों के बहुत सारे लोगों को तोड़ दिया गया, हजारों लोग ऐसे थे जिनको अतिक्रमणकारी और बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग भी गोरखनाथ के रोड पे रहते हैं, रोड आज वहाँ पे 4 लेन की तरह हो गई है। अगर हजार 2000 50000 मान लेते हैं, लोगों को तकलीफ हुई है, बट उसमें लाखों लोगों को फायदा भी हो रहा है जो उस रोड पे चल रहे हैं। बम मार दीजिए इन लोगों का, चाहिए ना योगी आदित्यनाथ जी को एक चाहिए कि सब जीसीबी या बुलडोजर दिखाई रहे हैं, सब बुलडोजर लगा के सब उजाड़ दें, एकदम चम 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 4 लेन बना लें, उनके घर उनके उनके मंदिर उनके मंदिर उनके मंदिर जाने में ब्रेक। देखिए 25 साल से सांसद विधायक मेयर पार्षद सब भाजपा का रहा, अब मुख्यमंत्री भी भाजपा के रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन बरसात के पानी में शहरों में नाव चले हैं, शहरों में नाव चले हैं, योगी जी का विकास में गोरखपुर के शहरों में स्टीमर और नाव चला है, शहर के इलाकों में दीपावली पानी भर जाता, इतना पानी भर गया था, कोई व्यवस्था नहीं था। क्या पिछले 5 साल में अगर सभी जनता अगर किसी चीज के लिए मना कर दे, सड़क को लेके, सड़क गांव से लेके शहर की सड़क अच्छी बनी है, बिजली को लेके, योगी आदित्यनाथ जी के जो एयरपोर्ट से लेके मंदिर तक जाता है ना, वही सड़क सिर्फ बना है, मालूम है ये बाहर वही सड़क बना है, आगे आगे ये देखिए, ये देखिए इन लोगों से, इनको जानकारी नहीं है, बात सुनिए हमारी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए यही यही आप खड़े हैं ना, मैं पूछना चाहता हूँ, इतने लोग खड़े हाथ उठा के बताइए भैया कौन कौन हमको पहचानता है, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा, और सुनिए गोरखपुर में अगर एक बच्चे ठेले वाले कुमचे वाले गुमती वाले गरीब शोषित वंचित किसी से पूछेगा तो हर व्यक्ति आपको नाम बताएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, चलिए आप बताइए क्या सोचा जा रहा है, अब की बार माहौल क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल यूपी में और कौन पसंद आ रहा है? कल जनता पंजे पे वोट करने जा रही है और 30 पंजे पे वोट करने जा रही है 30 साल बाद पहली बार। हम लोग 403 विधानसभा सीटों पे मजबूती से लड़ रहे हैं और हर जगह कल पंजे पे वोट होने जा रहे हैं और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश दंगाई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश छोड़ के गढ़वाल जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के अगर बहुमत कम आया तो हाथ का सपोर्ट मिलेगा? शीर्ष नेतृत्व तैयार करेगा, बिल्कुल ये शीर्ष नेतृत्व तैयार करेगा। ये क्या अच्छा लग रहा है आपको कांग्रेस में? वो कह रहे हैं कि भैया योगी जी ठीक लग रहे हैं, कोई कह रहा था समाजवादी पार्टी के लिए, आप क्या अच्छा लग रहा है? इतना भर्ती विधान जारी हुआ है, 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया, 1.5 लाख शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं, 1 लाख पुलिस बल भर्ती करने जा रहे हैं, 6 लाख डॉक्टर भर्ती करने जा रहे हैं, आप क्या देंगे? विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे और सम्मान के नाम पे, लोगों की सुरक्षा के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए जनता को? और भी लोग हैं, आप बताएं भैया कहाँ से आए हैं पहले ये बताएं। हम देवरिया से हैं। देवरिया से हैं। देवरिया में छठे चरण में, सातवें में? छठे में अच्छा, कल ही है। तो क्या सोच रहे हैं कल के वोटर, मतलब जो कल बटन दबाएंगे वो मुद्दा क्या सोच रहे दबाएंगे? मुद्दा विकास का है। विकास का है? मतलब हुआ नहीं हुआ? विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हुआ है। फिर भी मतलब थोड़ा बीचे बीच? हाँ। तो मतलब बीचों बीच की स्थिति बताइए कि मौका दोबारा दे रहे योगी जी को या नहीं दे रहे? मौका तो हमको लग रहा है कि एक बार देना चाहिए, एक बार देना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने भी विकास किया था। अखिलेश यादव के समय में केवल एक जात विशेष के लोगों का ही केवल विकास हुआ था। ये कह रहा है ब्राह्मणों पे हम कुछ बोलना चाहते हैं। बिल्कुल बताइए, श्रवण निषाद के उन्होंने चौरी चौरा से विधानसभा टिकट दिया है अपना, और वही श्रवण ब्राह्मण विरोधी ब्राह्मणों की हत्या में जाते हैं और ब्राह्मणों को गाली देते हैं, उसी श्रवण निषाद को ही विधायक बना रहे हैं। तो ब्राह्मण वोटर काफी इम्पोर्टेंट है इस बार चुनाव में, जो जिस पार्टी से देखो वही कहता है भैया हमारी तरफ ब्राह्मण आ जाए और हमारी तरफ ब्राह्मण आ जाए, हम जो है सम्मेलन करवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं। भैया 70% हमारी आबादी है और ब्राह्मणों को सत्रह परसेंट आबादी है, रुपया पैसा नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए ब्राह्मणों को, और सिर्फ अखिलेश की सरकार में मिला है, अखिलेश यादव ने ही दिया है सम्मान। इन्होंने योगी जी ने श्रीमान खुलेआम ब्राह्मणों की हत्या कराई है, ब्राह्मणों के घर गिरवाए हैं, ब्राह्मणों का शोषण किया है, ब्राह्मण की हत्या करने वाले श्रवण निषाद को इन्होंने टिकट दिया और उसका प्रचार भी करने जा रहे हैं। ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, मायावती जी वो भी रैली ब्राह्मणों के करवा रही है, मतलब जनसभा,
बीजेपी वो भी करवा रही है, समाजवादी पार्टी वो भी करवा रही है, सभी के सभी करवा रहे हैं कि भैया हमारी तरफ ब्राह्मण आ जाए। तो क्या सोच रहा है ब्राह्मण वोटर इस बार? भैया एक बार मायावती जी 100% बताइए, ब्राह्मण एक बार मायावती को मौका देख के देख लिया है। मायावती ने टोटल फेल हो चुकी है, ब्राह्मणों के साथ कोई अन्याय उन्होंने नहीं किया है। अखिलेश को इस बार मौका देंगे और अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। एक पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियर है आदमी, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप भी इंजीनियर? जी मैं इंजीनियर हूँ, इनके पास एक विजन है। कल आप भी वोट करेंगे? जी भैया। क्या सोच के वोट करेंगे, मुद्दा क्या होगा? विकास और एजुकेशन पे। मतलब हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलिए आप बताइए। हाँ कुछ बता रहे हैं, बताइए भैया सवाल कुछ। हाँ बताइए, कल का जो मुद्दा होगा, सवाल तो एक ही है बस, कल का जो मुद्दा होगा किस क्या सोच के बटन दबेगा? हम लोग नौकरी रोजगार महंगाई को लेकर वोट करेंगे। हाँ। और ये 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। हाँ। जिस प्रकार से इन्होंने टैबलेट लैपटॉप का वादा किया था, एक भी इनके वादे पूरे नहीं हुए। 5 साल बीत गए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक भी भर्ती नहीं किए। जो भी परीक्षा कराए गए सारे लीक हुए, एक सुनियोजित ढंग से इन्होंने लीक करा के। वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में मोदी जी ने भी कहा था साल के 5 करोड़ जो है वो रोजगार का वादा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 72 लाख जो है रोजगार का वादा किया था। वो होर्डिंग में लगा रहे हैं कि 4.5 लाख रोजगार सिर्फ होर्डिंग में है। ये तो बेचो वाली सरकार है, रोजगार मांगने पे लाठी मारते हैं ये। हाँ। इलाहाबाद में आपने देखा होगा, इधर लाइट उल्टी आ रही है। हाँ बताइए। इलाहाबाद में आपने देखा होगा जो युवा लड़के 10-10 साल 55 साल से तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस जनरल जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, एसएससी सबका। हाँ। ये रोजगार मांगने जाते हैं तो इनको लाठी मारी जाती है, घर से निकाल, धमकी से दी जाती है कि कुर्की कराएंगे, घर तुम्हारा तोड़वा देंगे, गाड़ी खिंचवा लेंगे, बाप को जेल भेजेंगे, माँ को जेल भेजेंगे। अरे भैया पढ़ लिख के आए, नौकरी नहीं मांगे। योगी आदित्यनाथ जी संविधान और विधान पे विश्वास नहीं लिखते। एक मिनट, संविधान पे विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है? वो संविधान विरोधी आदमी, पहली बात। दूसरी बात, इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में दलित समाज की लड़की प्रियंका भारती पढ़ने में टॉप रहती है, उसको उसकी हत्या हो जाती है, उसको न्याय आज तक नहीं दिया जाता है। बड़हलगंज में योगी बाबा के साढ़ से भैया एक्सीडेंट बढ़ गया, रोड पर मोटरसाइकिल वाले मर रहे हैं। आप यहीं बस चलाते हैं? हम बस चलाते हैं और रोड पर जितना बस लड़ती है सब वही साढ़ के चलते लड़ते। कितने बस से निपटा दिया बस से? बहुत निपट गए। अच्छा। कितने साढ़ मर गए और रोड पर कितने आदमी मर गए, कार वाले मर गए, मोटरसाइकिल वाले मर गए, लड़के करिया करिया साढ़ है, रोड करिया है, रात में दिखाई नहीं देता है, जाकर लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। ये जोगी बाबा का साढ़ है, साढ़। अच्छा। हाँ वही है। आप गोरखपुर से हैं? नहीं गोरखपुर से मैं नहीं हूँ, बगल से हूँ जो है। बगल से है तो आपके यहाँ भी कल ही वोटिंग होगी? कल नहीं, हमारे साथ 7वें में है। तो ये बता दीजिए, कोई 6ठे वाले सारे बैठे हैं, आप 7वें वाले बता दीजिए आप क्या। जोगी के साढ़ से हम लोग बड़े परेशान हैं, खेती भी नाश हो रही है और आदमी भी मर रहे हैं। ये भैया हाँ। ये साढ़ से भी परेशान हैं और मैं बता दूं इनकी नौकरी भी जाने वाली है। अच्छा, क्यों जाने वाली भैया? सब प्राइवेट होने जा रहा है। बेच रहे हैं भैया जो है, सब बेच रहे हैं, रेरा अपनी अपनी बेच दिए, रोडवेज बेचने जा रहे हैं, कोई सामान नहीं मिल रहा है, टायर न मिल, भूल गए थे ये अपनी मेन पीड़ा भूल गए थे। चूंकि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, इन लोगों के कार्यक्रमों में भी शामिल होता हूँ, तो इन लोगों की पीड़ा मैं हरदम जानता हूँ। आप समझिए वर्तमान स्थिति में निरंतर जो निजी आ रहे हैं, आप भी बैग वैग लटका के कहाँ से आ रहे हैं? एग्जाम देकर आ रहा हूँ। एग्जाम देकर आ रहे हैं तो निजीकरण क्या मुद्दा बता रहे हैं? निजीकरण में जैसे रेलवे के कुछ हिस्से हो गए, एयरलाइंस के भी जो हिस्से हो गए, तो बटन दबाते टाइम ये मुद्दे ध्यान में रहेंगे? एकदम ध्यान में रहेंगे। चलिए भैया ये गोरखपुर के हाँ। अब की बार जनता के मुद्दों पे वोट पड़ेगा। जनता ने देखा किस प्रकार से कोरोना समय में ऑक्सीजन मिला, लोग मरे हैं, कुत्ते नोचे खाए हैं। ठीक है भैया, ये गोरखपुर की जनता है और गोरखपुर में कल चुनाव है और चुनाव से तकरीबन 7-8 घंटे बाकी, 10 घंटे बाकी है, इसके बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले तमाम वोटर क्या कुछ सोच रहा है, क्या मुद्दे हैं जिसको देकर सोच कर दिमाग में वो वोट करने वाले हैं, दिखाएंगे कल पोलिंग बूथ से भी क्या कुछ तस्वीर निकलती है, क्या कुछ लोग कहते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।